वहीं कोडरमा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी और नामांकन के लिए अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के चाराडीह स्थित आवास से गिरिडीह के लिए रवाना हो चुकी है। गिरिडीह रवाना होने से पहले अन्नपूर्णा देवी ने अपने पति और पूर्व मंत्री रमेश प्रसाद यादव की स्मृति स्थल पर उन्होंने नमन किया और उसके बाद जुमरी तालाब स्थित राधा कृष्ण मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया और उन्होंने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया। नामांकन कार्यक्रम को लेकर सुबह से ही उनके आवास पर गहमा गहमी देखी गई। ढोल नगाड़े के साथ समर्थक उनके आवास पहुंचे, शुभकामनाएं दी। अन्नपूर्णा देवी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल होंगे और इसके बाद सर्कस मैदान में जनसभा भी की जाएगी। नामांकन सभा में मिलेगा और जैसा हमें उम्मीद है हजारों की संख्या में लोग आशीर्वाद देंगे और लगातार कोडरमा लोकसभा, कोडरमा विधानसभा सहित लोकसभा के लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिला है। आने वाले समय में भी एक परिवार के सदस्य के नाते उनका फिर से आशीर्वाद मिलेगा, ये पूरा विश्वास है। आज नामांकन कार्यक्रम में हम लोग कोडरमा से गिरिडीह सर्कस मैदान चलेंगे। सर्कस मैदान में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उत्तर प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी सहित झारखंड प्रदेश के हमारे पदाधिकारी, झारखंड प्रदेश के नेता और कई सांसद वहाँ, विधायक वहाँ पे उपस्थित रहे। तो झारखंड में आज कई दिग्गज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ रांची से संजय सेठ हैं जो नामांकन करेंगे और इस नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कोडरमा लोकसभा सीट से बात की जाए तो अन्नपूर्णा देवी यहां से नामांकन करेंगी और नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे।